हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं ग्वारी घाट, और ग्वारी घाट के हम आज जा रहे हैं उमा घाट। दोस्तों, ग्वारी घाट बस स्टैंड से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ग्वारी घाट आने के लिए आपको पहले गोरखपुर आना होगा, उसके बाद रामपुर, और उसके बाद सीधा रास्ता ग्वारी घाट के लिए आता है। तो आप आसानी से ग्वारी घाट आ सकते हैं, और ग्वारी घाट आने के लिए आपको बस और मेट्रो बस एवं ऑटो भी मिल जाएगी, तो आप आसानी से ग्वारी घाट आ सकते हैं। दोस्तों, ग्वारी घाट में अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे अभी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अपन चलिए घूमते हैं ग्वारी घाट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी मैंने आपको नर्मदा जी का पूरा एक व्यू दिखाया है, और अभी मैं यहाँ पे आपको मंदिर है वो दिखा देती हूँ। ये है हनुमान जी। ये भी हनुमान जी। ये है गौमुख, इसको पानी वो ऊपर वाले कुंड से मिलता है, मतलब पानी इसको ऊपर वाले कुंड से आता है।
दोस्तों यह पूरा गौरी घाट का व्यू भी जो मैंने आपको दिखाया था वो गौमुख था और शंकर जी का मंदिर था। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं। संजय चले, जितेन का नाम संजय हो गया है दोस्तों। अब वो वाला नहीं डालूंगी ना, ये वाला डालूंगी। अभी पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया गर्मी के टाइम में यहाँ पे, है ना संजय? वहाँ का तो कुछ बोलते ही नहीं है यार तुम। पानी कम हो गया बोल रही ना मैं।